हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन विद्या में आप सभी का स्वागत है। और ये सेकंड शिफ्ट के साथ हम इस बार फिर से आ गए हैं। 17 सितंबर 2017, सो सेकंड शिफ्ट भी खत्म हो गया है। और सेंटर में रहने के बाद बहुत सारे लोगों से बात किया, बहुत सारे कैंडिडेट से बात करने के बाद कुछ क्वेश्चंस हाथ लगे हैं, खास तौर से नंबर सीरीज जो सभी की डिमांड में रहता है, और बाकी जो किस तरह के पैटर्न आए हैं रीजनिंग में, मैथ में, ठीक है, किस तरह का जो कंफ्यूजन, किस तरह का सिचुएशन वहां पे बना हुआ था, सारी डिटेल्स हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इससे पहले शिफ्ट वन का जो एनालिसिस है वो भी हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं वीडियोस में जाके, या फिर मैं शिफ्ट टू के जो डिस्क्रिप्शन में उसी में अपलोड कर दूंगा। इसमें भी हम सेफ अटेम्प्ट के बारे में बात करेंगे। हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस एक दिन के अलग अलग शिफ्ट में देखने को नहीं मिलता है, पर फिर भी पैटर्न जो है वो डिस्कस करना जरूरी है, खास तौर से नंबर सीरीज, ठीक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ये पहला नंबर सीरीज है 658 2180 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बहुत ही इजी नंबर सीरीज है। देखिए 6 × 1 − 1 5, 5 × 2 − 2 8, 8 × 3 − 3 21, 21 × 4 − 4 80, 80 × 5 − 5 395। सो 395 जो है ये उसका आंसर है। नेक्स्ट नंबर सीरीज है 10 × 10 4 3 10 4 3 3.56, यानी कि 3.5 को आपको देख के पता चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं जो है पैटर्न में 0.5 इंक्लूडेड है। तो पैटर्न इस तरह से चल रहा है, 10 × 0.5 − 1 = 4, 4 × 1 − 1 = 3, 3 × 1.5 − 1 3.5, 3.5 × 2 7 होता है −1 6, 6 × 2.5 − 1 14, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा ये 14 होगा। यहां पर देखिए पैटर्न देखिए 109 110 102 129 65, तो कहीं घट रहा है कहीं बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये प्लस वन का प्लस वन है, या −18 का डिफरेंस है, या +27 का डिफरेंस है, या −64 का डिफरेंस है। अभी देखिए यहां देखिए वन है, ये टू का क्यूब है, या थ्री का क्यूब है, या फोर का क्यूब है, तो डेफिनेटली यहाँ फाइव का क्यूब होगा जो कि प्लस में होगा, ठीक है। तो आप इसको जोड़ कर दीजिए तो ये इसका आंसर जो होगा ये 190 होगा। यहाँ पे देखिए 190 94 46 22, बहुत ही इजी है। 96 है, 48 है, 24 है, 12 है, ये क्या है, ये इसका डिफरेंस है, ठीक है। तो 24 के बाद क्या आएगा, 12 आएगा, 12 से घटाएंगे क्या आएगा, 10 आ जाएगा, बहुत इजी पैटर्न है। अब यहाँ पे देखिए 98 111 85 137 33 241, ठीक है। अभी देखिए ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं 13 26 52 104 208, ये डिफरेंस जो है ये अल्टरनेट का है, ऐसे है, ठीक है, ये डिफरेंस जो है ये अल्टरनेट का है, ये ऐसे आएगा, ठीक है। 98 − 85 13, 111 137 26, 85 33 52, ठीक है। फिर है आपका 137 241, ठीक है। तो यहाँ से है 104 104, फिर है 33 से यहाँ कितने बार में जाएगा, तो देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, 13 × 1 13, 13 × 2 26, 13 × 4 52, 13 × 8, यानी कि सब डबल हो रहा है, ठीक है। 104 13 × फिर 8 का दुगना 16, 208, तो 208 क्या होगा, यहाँ से देखिए ये घटते जा रहा है ना, घटते जा रहा है, तो यहां से भी ये घटेगा, 208 घटेगा तो क्या होगा, माइनस में जो है आपका आंसर आ जाएगा 175। अब ये पैटर्न जो है हमको कैंडिडेट्स के द्वारा मिला है, ठीक है, तो आप करीब करीब मान के चल सकते हैं ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, और इसी तरह का पैटर्न इसमें आता ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पैटर्न में आपका माइनस नहीं आ सकता है, तो नंबर सीरीज है, कुछ भी पॉसिबल है, खासतौर से आप पैटर्न को देख लीजिए, ठीक है। तो ये जो है कुल मिलाकर नंबर सीरीज के कुछ पैटर्न थे, हमने आपसे वो डिस्कस कर लिए, ठीक है। 5 नंबर सीरीज आज के आए हुए हैं, सारे हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है, इसी का पैटर्न चला। आइए आप ओवरव्यू देख लेते हैं आज का। तो ये है मोटा मोटा एक ओवरव्यू, ठीक है, कंप्लीट ओवरव्यू। सिंप्लीफिकेशन वही है, 15 नंबर का आया है, ठीक है। सीरीज जो है वही है, इजी क्वेश्चन है, 5 नंबर का आया है। डीआई यहाँ पे भी टेबुलर फॉर्म में आया था, ठीक है, एक टेबुलर फॉर्म में था जो कि 5 नंबर का आया था। वर्ड प्रॉब्लम देखिए शिफ्ट वन में हम नहीं बता पाए थे कि क्या क्या आ रहा था, लेकिन इसमें हमने देखा कि SICI प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेज रेशियो, परसेंटेज का क्वेश्चन इसमें इतना नहीं आया है, ठीक है, लेकिन SICI प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेज रेशियो सब मिला के जो है
15 नंबर का क्वेश्चन आया, बहुत ज्यादा टफ नहीं, मॉडरेट भी कहेंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, मतलब इजी टू मॉडरेट के बीच में आप मान लीजिए कि अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आप इसको कर जाइएगा, ठीक है, इजीली आप इसको लगा लेंगे अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो, ठीक है, तो ज्यादा टेंशन वाला बात नहीं है। मैथ में यार सब लोग, मतलब सब लोग 25 तो मतलब मिनिमम है, इतना तो आपको करना ही है, ठीक है, सुनने में जैसा भी आपको लग रहा हो लेकिन 25 तो आपको करना ही करना है, ठीक है, ये तो मिनिमम है। अब आपको सब लोग जो है यहाँ पे यार 32 तो बना रहे हैं, ठीक है, 32 तो बना रहे हैं, लेकिन अगर आप 30 भी बना रहे हैं तो क्या कहें, फिर भी कहेंगे कि ठीक है चलिए, ठीक है, लेकिन 25 के अगर नीचे आप बना रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा फिर जो है दिक्कत वाला बात हो सकता है, क्योंकि 25 जो है सारे लोगों ने बनाया है, ठीक है, और जिस तरह का कट ऑफ जाता है आप जानते हैं असिस्टेंट में, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो है हाईएस्ट जो है किसी स्टेट का कट ऑफ हमने देखा था वो 72.5 आउट ऑफ 100, ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हैं 72% है, ठीक है, तो आप 80 का निकाल लीजिए, 80 का 70% क्या होता है, 56 होता है, ठीक है, अब उससे ज्यादा ही मान के चलिए कि आपको 60 से 65 के बीच में आप अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है, तभी ना मार्क्स कहीं भी कोई गलती हुआ या नेगेटिव मार्किंग हुआ तब जाके जो है आप 60 या 55 में, 60 या उससे 57 58 में जाके अटकीएगा, ठीक है, तो एक दो गलत हो ही जाता है, फिर भी अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आइए रीजनिंग देख लेते हैं, रीजनिंग में भी वही है, ठीक है, उसी तरह का पैटर्न उसमें भी चला है, रीजनिंग में आपका इनइक्वालिटी आया था 5 नंबर का, सिलॉग्स जो आया था बहुत ईजी आया था, हाँ, और सिलॉग्स में पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन जो है वो नहीं आया था, पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन इसमें नहीं आया था, कोडिंग डिकोडिंग आया था, कोडिंग डिकोडिंग जो है ओल्ड पैटर्न का आया था, कोडिंग डिकोडिंग ओल्ड पैटर्न का आया था, सिटिंग अरेंजमेंट जो है सिटिंग अरेंजमेंट इसमें आया था, लिनियर अरेंजमेंट आया था, ठीक है, फ्लोर पजल आया था फर्स्ट शिफ्ट की तरह 1 2 3 4 करके जो है 8 दिया हुआ था, उसको आपको जो है सजाना था, फ्लोर पे आपको सजाना था, ठीक है, और फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस दिया हुआ था, मिसलेनियस में आपका पेयर काउंटिंग जो दिया हुआ था ए बी सी डी दिया हुआ था, पेयर काउंटिंग में जैसे होता है ए बी सी फिर डी ई एफ, ठीक है, उसमें से ऐसा चार जो है दिए हुए, तो उसमें आपको लिखा हुआ था जो कॉन्सोनेंट है उसको आप बढ़ा दीजिए, ठीक है, एक न एक एक न एक डिजिट बढ़ा दीजिए, या फिर और उसका जो भावल्स है उसको एक डिजिट घटा दीजिए, फिर जो है उसको आप डिक्शनरी के अनुसार सजाइए, तो कौन सा डिजिट बताइए लेफ्ट से फोर्थ में आएगा, तो इस तरह का क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, इजी इजी था, ठीक है, ऑफिसर लेवल की तरह टफ नहीं था, मतलब घुमाया हुआ नहीं था, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। लेटर ग्रुपिंग का क्वेश्चन आया था, ठीक है, फिर जो है एक वर्ड आपका दे दिया, जैसे मान के चलिए एजुकेशन दे दिया, एजुकेशन में फाइंड आउट हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर एज मेनी एज बिटवीन देम, ठीक है, जैसे आपको निकालना था आप इसका नंबरिंग करके भी निकाल सकते हैं, या फिर आपने इसको गिनते रहिए ई एफ जी एच, जहाँ पे आपको मिल रहा है वहां से आप उसको जो है कैलकुलेट करके आप आंसर मार्क कीजिए, ठीक है, तो इस तरह का जो है क्वेश्चंस उसमें आ रहे हैं फ्रेंड, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, असिस्टेंट लेवल का है क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत इजी आ रहा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो आप समझ रहे हैं, यहाँ तक कि बहुत सारा मैं देख रहा था, ठीक है, बात करने के बाद बोलने वाले बहुत कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोगों ने तो कह दिया कि मैंने 79 अटेम्प्ट किया यार, ठीक है, हाँ मैं नहीं कहता कि पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है, अगर आपने उस लेवल का प्रिपरेशन किया तो पॉसिबल है, लेकिन आप ये जो है इनमें मत जाइए, ठीक है, क्योंकि ये जो है पूरा जो आईबीपीएस का जो अभी का जो गेम है वो आपका जो है 100% एक्यूरेसी का खेल है, ठीक है, जितना मिनिमम है उतना तो आपको बनाना ही है, लेकिन वो जो एक्यूरेसी है आपको 99 से 100% के बीच में आना चाहिए, तभी जो है आप इस गेम में टिक पाएंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले शिफ्ट के इसमें वीडियो के दौरान भी कहा था कि ये जो आपका सिलेक्शन नहीं रिजेक्शन टेस्ट है, आईबीपीएस चाहता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा इसको रिजेक्ट मतलब कैंडिडेट रिजेक्ट किया जा सके, ताकि वो, क्योंकि उनका भी एक मजबूरी है, वो कैंडिडेट्स को फिल्टर करना चाहते हैं, जो मेरिट मेरिट कैंडिडेट्स हैं उसको वो फिल्टर करके लेके जाना चाहते हैं ऊपर, ठीक है, उनके पास भी कोई चांस नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नहीं है उनके पास, ठीक है, तो स्टेट वाइज जो है जिस स्टेट में कट ऑफ हाई जाता है खासतौर से उन कैंडिडेट्स को हम बताना चाहेंगे, ठीक है, आप अपना अटेम्प्ट थोड़ा हाई रखने की कोशिश कीजिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के कॉस्ट पे नहीं, जितना अटेम्प्ट कीजिए बिल्कुल बिल्कुल 100% श्योर अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, ये मेन मुद्दा है कहने का, ठीक है, तो आइए आप कुछ सेफ अटेम्प्ट की बात करते हैं, सेफ अटेम्प्ट वही है आपका रीजनिंग में, आप 32 से 33 लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप भी करने की कोशिश कीजिए, मैथ जो है 27 से 30, अगर आप 32 से 35 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, रीजनिंग में 32 से 33 मैंने लिखा है इसलिए है, ठीक है, क्योंकि
100% 99% का एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कीजिए, अगर आप 35 अटेम्प्ट कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ओवरऑल मैंने लिखा है 59 से 63, ये अगेन सेफ अटेम्प्ट है, ये आप इसको कोशिश कीजिए बहुत ज़्यादा बढ़ाने का, ये कट ऑफ नहीं है, ठीक है। कट ऑफ तो तब पता चलेगा रिव्यू करने के बाद जब सारे शिफ्ट ये हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और अभी एग्ज़ाम होना बाकी है, 23 तारीख को भी एग्ज़ाम होना बाकी है, एग्ज़ाम होगा उसके बाद पता चलेगा कि क्या जो है किस्सा है, ठीक है। तो अभी तक लोग बहुत लोग कह रहे हैं कि मैंने 72 अटैम्प्ट किया और मैंने मैंने 75 अटैम्प्ट कर लिया, मैंने 79 अटैम्प्ट कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आप सेफ अटैम्प्ट की ओर चलिए, ठीक है, मैक्सिमम अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए 100% एक्यूरेसी के साथ। सो फ्रेंड्स, मैं थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट का भी उसमें वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा, या फिर एक काम कर सकते हैं, सारा जो क्वेश्चन है वो ऑल इन वन एक वीडियो में मैं आखिर में जाके इसको बना दूंगा, ताकि सारा जो है आप एक बार में इसको रिवाइज कर सके, रीजनिंग, मैथ और खासतौर से नंबर सीरीज के क्वेश्चंस जो आपको मोटा मोटा 5 नंबर दिलाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चंस एक वीडियो में आपको अपलोड कर देने के लिए दिन के आखिर में, ठीक है। आज का जो शिफ्ट है वो खत्म हो गया, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट चल रहा है, और उसके बाद में क्वेश्चंस मैं अभी सेंटर में ही हूँ, और यहाँ से निकलने के बाद सारा क्वेश्चंस कलेक्ट करके मैं दूसरा वीडियो जो है ऑल क्वेश्चंस के साथ मैं इसको बना दूंगा। तो जिन लोगों ने वीडियो को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो लोग सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे ज़रूरी है आप कमेंट कीजिए। बहुत सारे लोगों से मैंने कहा कि आप लोग कमेंट कीजिए, अगर आपको कुछ और भी डिमांड है तो आप लोग उसमें से लिखिए, ठीक है। अगर आपको कुछ और चाहिए, किसी तरह के और वीडियोज़ चाहिए, तो आप उसमें लिखिए, मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू।